नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे है राजेश भाई सोनी, और इनका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या फॉलो करते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में हम उनसे जानना चाहेंगे। रमेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? जी प्रणाम प्रणाम। जी। मेरा नाम राजेश सोनी है। हाँ, मैं रावतसगंज जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले ओके। काफी समय से जी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है मैडम, और पिछले कई सालों से कई गंभीर समस्याओं से हम परेशान रहे हैं। काफी जी इलाज कराएं, बीच जी में स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, जी फिर कुछ न कुछ समस्या लगी रहती थी। उसके बाद हम दवा कराते गए तो लाभ मिलता और फिर समस्या लगी रहती मैडम जी। तो इधर बीच में हमें समस्या हो गई सर्वाइकल की। सर्वाइकल जी के लिए हमने काफी इलाज कराया, लाभ नहीं मिल रहा जी था। बाद में अर्थराइटिस का भी एहसास होने लगा कि हमको घुटने की समस्या है। डॉक्टर बताएं कि अर्थराइटिस है, जी उसका भी इलाज कराएं, लाभ नहीं मिला। बीच में हमने विश्व रूप राय चौधरी जी का कुछ सजेशन था, उसके तहत हमने फॉलो किया। जी और जी उसके फॉलो करीब 2 महीने तक हमने किया, लेकिन कोई रिस्पांस हमको समझ में नहीं आया। तो बाद में जानकारी हुआ एनडीएस के बारे में, तो एनडीएस जब हम शुरू किए तो 5 दिन के अंदर ही अपने शरीर में हम चमत्कार का अनुभव किए, जी क्या जैसे बात है। एकदम चमत्कार हुआ। हाँ जी जी, चमत्कार का एहसास हुआ और हमारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। पहले जी तो डर लग रहा था कि कैसे हम केवल जूस पे रह सकते हैं, तमाम प्रश्न मन में चल रहा था। हाँ लेकिन एक एक दिन बढ़ता गया और अनुभव होता गया, और हम 1.25 महीने तक केवल जूस पर हम रहे, अच्छा। जूस पर रहने जी 1.25 महीने तक हम जूस पर रहे, और उसका चमत्कारिक लाभ हमको मिला कि लगभग 1.5 महीने में हमारी 90% समस्या समाप्त हो गई। अभी वाह वाह, क्या बात है। जी जी ये जी सब आपकी कृपा है, आप लोगों के दिखाए रास्ते पर चलकर जी हम रोग से मुक्त हुए हैं। हमारे सर्वाइकल में 90% हमको लाभ मिल चुका है जी और निरंतर लाभ मिलता जा रहा है मैडम जी। तो आप 1.25 महीने से जूस पे हो, तो आपने कौन कौन सा जूस पिया और कितना जूस पिया? जी सुबह से निर्जला हमारा 12 बजे तक चलता है। 12 बजे के बाद हमारा ग्रीन जूस रहता है मैडम जी। जी ग्रीन जूस आपके बताए हुए वीडियो में हमने देखा और वैसे ही ग्रीन जूस बना है। हाँ, 1.5 घंटे बाद अंगूर का जूस और पानी, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिए। जी तो जब भी आपने ग्रीन जूस पिया, तो उसके बाद में सिर्फ एक ही बार अंगूर का एक ही ग्लास जूस पिया? जी मैडम जी, करीब 500 ml हम अंगूर का जूस लेते हैं, हाँ उसके बाद पानी वगैरह ले लेते हैं। जी 1-1.5 घंटे बाद पानी लेते हैं, फिर उसके हाँ बाद जब भूख लगेगा मैडम जी हम अंगूर का जूस पानी, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। जी अच्छा जी। तो शाम तक, कब तक जूस और पानी, कितने टाइम, शाम के कितने बजे तक लेते थे? लगभग 9 बजे तक, अच्छा, 9 बजे के बाद फिर कुछ नहीं लेते थे। तो दिन में कितने ग्लास जूस हो जाते होंगे? 4, 5, 6, कितने ग्लास जूस पीते हो? लगभग 5 गिलास, ओके जी 2 से 2.5 लीटर। ओके। तो आपकी उम्र क्या है? अभी आपने कहा था, लेकिन आवाज कट हो गई थी। जी मैडम, आपकी उम्र? हमारी उम्र 44 साल है मैडम जी, फोर्टी ओके, तो 44 साल। फोर हाँ, ईयर जी 44 साल तक तो आपको ये पता नहीं था, और हम तो सुबह दोपहर शाम और रात बस खाना ही खाते थे, पकाया हुआ ही खाते थे, और आपने ये सिस्टम को फॉलो किया, जी तो आपके शरीर को क्या एहसास हुआ कि पकाया हुआ भोजन के बिना रहा जा सकता है? जी मैडम जी, पकाया हुआ भोजन पहले तो जानकारी नहीं था, वही तला भुना सब खाते थे। अब हाँ अनुभव हुआ कि नहीं, ये हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है, हाँ
तालाब होना हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ कच्चा ही बना है जी। जी कच्चा जो है उसको भी और हम उस बोलेंगे, हाँ कच्चा जो है उसको भी हम बोलेंगे सन कुक फूड, मतलब कि सूर्य जी प्रकाश की मदद से ईश्वर ने बनाया है तो वो कच्चा नहीं है, वो भी पक्का ही है, लेकिन हम तो जो है जी वो प्राकृतिक पकाया, रूप से आप हाँ लेकिन हम तो जो है वो पकाया हुआ भोजन को मृत करके खाते थे, कुछ बोल आपके रहे सारे थे। वीडियो को हम देखते गए, समझते गए, हाँ आपके वीडियो को देखते गए, समझते गए, और हाँ जी उसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है जी जी। हमारी मार्गदर्शक आप ही हैं मैडम जी। जी बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने फॉलो किया, हम कभी मिले नहीं हो, आप यूपी में है, हम अहमदाबाद में है, हम कभी मिले नहीं है, फिर भी आपने जी मैडम खाली जी वीडियो के ऊपर विश्वास किया, आपने प्रकृति को फॉलो किया, इसलिए आपको रिजल्ट मिलता है। हम पूरी दुनिया को बोलते हैं कि ये सिस्टम को फॉलो जी करो, लेकिन जो फॉलो करेगा उसको ही लाभ मिलेगा, ये खुद के अनुभव की बात है कि मेरे हाथ में लड्डू है और मैं आपको बोलूंगी कि खट्टा है तो आप फील करोगे कि खट्टा है, लेकिन वो लड्डू हो सकता है मीठा भी हो सकता है, तो जब आप खाओगे तब पता चलेगा कि लड्डू जी मीठा बिल्कुल है। हाँ तो ये अनुभव है, अनुभव जो करेगा उसको जी। रिजल्ट मिलेगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारी पत्नी जो है वो, हाँ उनका वेट ज्यादा था, जी उनका वेट ज्यादा था 72 किलो। 72 किलो जब उनका वेट ज्यादा था तो वो बहुत परेशान थी अपने वेट से, जी और योग कराती हैं, योग करती हैं, योग कराती भी हैं अपने क्लासेस में, 10 के लगभग महिलाएं रहती हैं, जी और ये योग करने के बावजूद इनका वेट बढ़ता ही गया, घटा नहीं। बाद अच्छा में ये समस्या आई कि इनको थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, और इनका इलाज चलने लगा। तो हमारे अनुभव के आधार पे इनको भी हम शुरू कराएं, इनको भी शुरू कराएं, तो इनके अंदर भी चमत्कारिक लाभ मिला मैडम जी। जी वेट इनका 1 महीने में 7 किलो कम हो गया। पहले शरीर काफी भारी दिख रहा था, अब स्लिम दिख रही हैं। यहाँ तक कि कई लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे लाभ मिला है, तो उनको भी हम लोग बता रहे हैं कि आप एनडीएस फॉलो करें, मैडम जी का वीडियो देखें हाँ और अपना लाभ लें जी, तो आपकी वाइफ जी। खुश है ये मैडम सिस्टम को फॉलो करके, खुश हो गए? बहुत खुश है मैडम जी, यहाँ तक कि उनको देखकर उनके क्लास में और भी महिलाएं फॉलो करना शुरू कर दी हैं। राजेश भाई ये बताइए कि एनीमा करते हो नहीं बिल्कुल मैडम करते जी, हो, कितनी बार करते हो, कितनी सफाई हुई वो बताइए। मैडम जी हम एनिमा 3 बार कम से कम करते हैं, और पूरा मन लगाकर 5 बार 6 बार चमत्कारिक लाभ हुआ मैडम जी, अद्भुत लाभ हुआ। उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर गंदगी मुक्त हो गया, ऐसा एहसास हो रहा है, और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि मानसिक गंदगी भी दूर हो रही है जी। जी हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो है जी वो मानसिक चैतसिक सभी प्रकार से हमारी वृद्धि होती है, पेट की गंदगी चले जी जाने से पॉजिटिविटी आती है, अच्छे विचार आते हैं। पहले डल था हमारा स्किन, और अब पहले से महसूस होता है कि स्किन में ग्लोपन बढ़ रहा है, हाँ चमक बढ़ रही है, चेहरे पर भी चमक बढ़ रही है मैडम जी। हाँ जी बाल हमारा झड़ना, जो झड़ रहा था वो बाल झड़ना बंद हो गया, बाल मजबूत हो गए, मोटे हो गए, बहुत अच्छा खुशी हो रही है मैडम जी। जी, और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में हम कहेंगे कि ये अच्छी चीजें नहीं है, तो आप क्या कहते हो? पहले हमारे यहाँ गाय थी मैडम जी, शुरू हाँ से बचपन से हम लोग गाय पीते थे, पिताजी उस गाय का देखभाल करते थे, हम तो उसी को अमृत जान रहे थे। जब आपका वीडियो देखें, उसको त्यागें, बाद में हमको एहसास हुआ कि वो स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक चीज है, और 2 महीना हो गया हमारे घर में दूध आना बंद, गाय की विदाई हो गई मैडम जी। जी अरे वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे ना, पूरे देश हमारा बदल जाएगा, पूरे यूपी के सारे जी दवाखाने, बंद सब हॉस्पिटलें, सब कोई बंद हो जाएगी अगर हो सबके, जाएंगे मैडम जी। हाँ सबके घर में अगर दूध आना बंद होगा तो सब जो है वो दवाई मुक्त हो जाएंगे। 1.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जूस ही पिया है, तो आपको कोई वीकनेस लगी, जी अशक्ति आ गई, चक्कर आ गए, ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मजबूताई फील हो रही है? कभी नहीं मैडम जी, कभी हमको कहीं से कोई कमजोरी का एहसास नहीं हुआ, कहीं कोई वीकनेस नहीं आई, बल्कि
शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी कई गुना बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। पहले हम आलस के मारे दिन में 1 घंटा लगभग सो भी जाते थे, अब सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 9:30-10 बजे सोते हैं। कहीं से कोई आलस्य या कमजोरी का एहसास नहीं होता है। जी बहुत अच्छी बात है। पूरे विश्व को, चाहे आप यूपी में हो या फिर आप कहीं पे भी हो, तो पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए कि अगर दवाई नहीं खानी है, स्वस्थ हो जाना है तो क्या करना चाहिए। आप अपनी ओर से कुछ, आपके शब्दों में कुछ कहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से विनती करके कि कभी डॉक्टर या इधर उधर के चक्कर को छोड़ें और एनडीएस को फॉलो करें, अपने जीवन को निरोग बनाएं और स्वस्थ हों। हाँ जी, और लास्ट में जी पूछेंगे कि राजेश जी, आप तो, आपकी उम्र अभी छोटी है, 44 साल के हो अभी, हमें वो और बहुत सारे साल जीने हैं, अच्छी तरह से हेल्दी जीने हैं, जी मैडम तो ये सिस्टम को कितने जी, साल फॉलो करोगे? हमारी पत्नी और हम दोनों लोगों का राय बना है कि अब जब तक जीना है इस सिस्टम को फॉलो करना है, छोड़ना नहीं है मैडम जी, जी, तो क्योंकि आप, यही जीने का रास्ता है। हाँ, तो आपकी वाइफ को कुछ ऐसा नया कुछ लगा कि लंच में कुछ खाना ही नहीं बनाने का, किचन में ही नहीं जाने का, वो पूरी जिंदगी खाना पका पका करते थे, वो सारा छूट गया, तो खुश हो गए हैं? बहुत सुकून में है, जो दिन भर कुछ न कुछ बनाना रहता था, अब उससे मुक्ति मिली है। हमारा बड़ा बच्चा है 16 साल का मैडम जी, ओके और छोटा बच्चा है 13 साल का, और ये लोग अभी 10 दिन हुआ शुरू कर दिए हैं। ये अच्छा, शाम का ही भोजन लेते हैं, शाम का ही भोजन लेते हैं, और दिन भर जूस पर ही रहेंगे। तो अच्छा लगता है उनको, जूस से पेट भर जाता है। बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। कुछ लोग जो खास जुड़े हुए हैं वो हाँ कहते हैं कि भैया बच्चों को तो छोड़ दीजिए, जी, लेकिन नहीं, बच्चे उत्साहित हैं, हम लोगों के अंदर बदलाव देखकर बहुत उत्साहित हैं, वो भी कर रहे हैं। जी ये अच्छी बात है। अगर बच्चे हमारी नई धरोहर है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी बीमार नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को जो है वो परिवर्तन करना है, तो उनको जागरूक देख के, होना हाँ, है। उनको देख के बच्चे भी जो है वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, और आपके बच्चे को भी एनीमा करवाइए, क्योंकि 16 साल तक रोटी खाई है, 16 साल तक दूध पिया है, तो वो सारी गंदगी जी निकालने के लिए उनको भी एनीमा करवाइए। जी मैडम जी, यही हमारा विचार बना कि उनके अंदर जो भी कूड़ा कचरा गया है, न जानकारी में हम लोग गलती किए हैं, उस गलती का सुधार हो और बच्चे पूर्ण स्वस्थ हों। जी, तो आपकी इच्छा है वो ईश्वर पूर्ण करेगा, और भी आप बहुत ही स्वस्थ हो जाओ, आप बहुत ही प्रगति करो, ऐसी आपको शुभकामनाएं हैं। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाएं। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो एनिमा पॉट, या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो राजेश जी, आपने अपना समय दिया, आपने अपना कीमती अनुभव बताया पूरे विश्व को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत आभार मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओके, बाय।